कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूं आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नेम प्लेट विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है यानी दुकानदारों के नाम बताने को लेकर जो आदेश जारी किया गया था उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था वो रोक अब बरकरार रहेगा यूपी की योगी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा दाखिल किया गया तमाम दलीलें भी दी गई सुनवाई लंबी चली लेकिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और मध्यप्रदेश की सरकार को दो हफ्ते का वक्त दिया है और अब इस पूरे मामले को लेकर पांच अगस्त को अगली सुनवाई होगी तो आज सुप्रीम कोर्ट में कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हिंदुस्तान के नियम कानून का आज मजाक उड़ा है धज्जा उड़ गई आज कारण सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला किया है उसने एक रास्ता खोल दिया योगी आदित्यनाथ के लिए और देश की तमाम राज्य सरकारों के लिए कि जो काम कावरियों के लिए आप कर रहे थे अब तीन सौ पैंसठ दिन मतलब हर जगह हर इलाके में यह आदेश आप दे सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया यह समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्या कर रही है जजेस क्या कर रहे हैं भाई नोटिस दिया गया उत्तराखंड को यूपी को और मध्य प्रदेश को यह पूछा जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश का वकील क्यों नहीं आ जाया मध्य प्रदेश का कोई रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं आया आपने एफिडेविट क्यों नहीं जमा किया और यही लैकलस्टर अप्रोच से अगर आप कानूनी लड़ाई लड़ोगे तो आज जो हुआ वही होगा अभिषेक मनु सिंघवी उन्होंने उस लूपहोल को निकाल दिया कहा कि कल रात साढ़े दस बजे एफिडेविट उत्तर प्रदेश का आया है जज ने भी वही बात कही जो बात अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आपने जो एफिडेविट दिया है वो हम अभी पढ़ नहीं पाए हैं अभी पढ़ नहीं पाए हैं इसलिए उसके ऊपर अभी फैसला नहीं हो सकता और इसलिए इंटरम आदेश जो है वो लागू रहेगा दो सप्ताह का हम टाइम देते हैं पांच तारीख को हम फिर सुनवाई करेंगे अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि दो तारीख को तो खत्म हो जाएगा कावर यात्रा जी, जी। तो आपने क्या किया टेक्निकल आधार पे कि चुके आपने विलंब किया हम पढ़ नहीं पाए और इसलिए आपको वक्त दिया जा रहा है मध्य प्रदेश की सरकार क्या सो रही थी किस नशे में धुत थी पता नहीं उसका वकील नहीं आया तो टेक्निकल ग्राउंड पे यह मामला आगे बढ़ा दिया गया कि भाई विलंब हो रहा है यह हो रहा है सिंघवी साहब जो कह रहे हैं वही बात जो है वो जज साहब भी कह रहे हैं अब यह कहानी तो हुई कि क्यों इस तरह का फैसला आया तो इंटरीम आदेश आया है अभी तक वही आदेश जो इंटरीम है कोई फाइनल आदेश आया नहीं है बहस नहीं हुई है लेकिन अब यह मामला कावर यात्रा खत्म हो जाएगा उसके बाद और इस दौरान कहीं कोई हंगामा हो जाए कहीं कोई लहसुन खिला दे कहीं कोई नॉनवेज खाना पकड़ा गया दंगा हो जाए लोगों की मौत हो जाए तो ये जज साहब क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे यही बात उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा कि हम ये कानून लेकर के आए वो इसलिए हमने ये इन्फोर्स किया क्योंकि कुछ कांवरियों की तरफ से यह शिकायत की गई थी और पास्ट एक्सपीरियंस भी रहा है कि अगर आप इसको इन्फोर्स कर देते हैं एडवर्टमेट में यह भी कहा गया कि मान लीजिए यह इन्फोर्स रहा कुछ कांवरिया जाते हैं खा लेते हैं बाद में उनको मालूम चलता है कि इसमें गड़बड़ हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भड़क जाए तब क्या करेंगे तब कौन ले जिम्मेदारी हम तो इसको यहाँ पे कि कावर यात्रा में पहले भी हिंसा इस तरह की चीज़ों पे हो चुकी है उसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कावरियों के शिकायत के आधार पे हमने ये डिक्ट पास किया था तो नहीं ये डिस्क्रिमिनेटरी है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से कहा गया कि ये सबके लिए लागू है डिस्क्रिमिनेटरी तो तब होता कि अगर ये सिर्फ मुसलमानों के लिए लागू होता या सिर्फ हिंदुओं के लिए लागू होता अब मसला क्या है जब कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई बातचीत हुई तो मुकुल रकोदी साहब जो है वो यूपी सरकार की तरफ से बोल रहे थे और यह मैंने अनप्रेसिडेंटेड चीज आज हुई है सुप्रीम कोर्ट में मैंने कानून लागू ना हो रूल ऑफ लॉ ना हो ये सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हो रहा है क्यों हो रहा है सुनिए सीनियर एडवोकेट मुकुल रहतोगी

थेला वाला भी हो या फिर ढाबा वाला हो वो अपने नाम को डिस्प्ले करेगा मतलब डिस्प्ले कराना कोई इलीगल आदेश नहीं था ये कानून है सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार ये कह रही है तो इसका मतलब तो झूठ बात बोल नहीं रही है आगे क्या देर फोर द इंटरीम ऑर्डर पास बाय द कोर्ट स्टेइंग द डायरेक्टिव टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द ऑनर वॉज कॉन्ट्ररी टू द सेंट्रल लॉ और इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया कि भाई नाम हटा लो जरूरी नहीं है यह इस सेंट्रल कानून के खिलाफ था तो आप समझिए कि क्या कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि देश का कानून मत मानो, है ना देश का कानून मत मांगो उसको जो है कानून को फाड़ के नाले में फेंक दो यह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया यही बात तो कह रहे हैं तो कोर्ट ने क्या कहा जब ये कहा गया कि देखिए ये तो हमने कानून को इंप्लीमेंट किया है तो कोर्ट की तरफ से अनोखी बात हो गई अनोखी बात हो गई ऐसा लग रहा है कि जस्टिस रॉय उनको जो है कोई पर्सनल एजेंडा है अजीब कहानी है आपने कह दिया इफ देर इज सच लॉ देन द स्टेट शुड बी इंफोर्सिंग इट थ्रू आउट ऑल द एरियाज उन्होंने ये मुझे समझ भी नहीं आ रहा है आपको तो ये कहना चाहिए कि भाई हर जगह लगाओ ये आपने क्यों ये लगाया है। तो इसका मतलब आपने रास्ता खोला है और इसलिए उन्होंने क्या कहा लेट इट बी इन्फोर्स ऑल ओवर नॉट ओनली इन सर्टेन एरियाज फाइल अ काउंटर शोइंग इट हैज बीन इन्फोर्स ऑल ओवर मतलब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि भाई अगली बार जब आना तो बताओ कि पूरे देश में अगर सेंट्रल लॉ है तो ये पूरे देश में आपने इसको लागू करवाया है या नहीं करवाया है और इसको आप लागू करके दिखा दो जस्टिस रॉय सेड रेतो की रिक्वेस्टेड फॉर एन अर्ली हियरिंग ऑफ द मैटर प्रेफरेबली ऑन मंडे और ट्यूजडे से बैटर विल अदरवाइज बिकम इन फ्रैक्चुअस एज द कावर यात्रा पीरियड विल बी ओवर इन टू वीक्स उन्होंने कहा कि अगर ये आप इसको आगे बढ़ा दे रहे हो दो सप्ताह अब ज्यादा से ज्यादा सोमवार को लेकिन ऐसे में तो कावड़ यात्रा देरे देरे होने के कगार पे आ जाएगा लेकिन जिस तरह से जो योगी सरकार की तरफ से दलीलें दी गई है इस आदेश का बचाव किया गया कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन पर ही उल्टा ना पड़ जाए कि ये जो फैसला है ये आदेश योगी सरकार का है ये बस कावड़ यात्रा तक सीमित नहीं रह जाएगा ये हमेशा के लिए लागू हो जाए देखिए यही बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से जज साहब बोल रहे हैं आप पंडारा बॉक्स खोल रहे हो अब हर दुकान हर गली मोहल्ले में भी लोगों को अपना नाम जो है टांगने के लिए यह सरकार जो है दे विल बी फ्री टू डू इट तब फिर आप आप एक छोटी सी चीज को रोकने के लिए और ये मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं कोई सवाल उठाया कि भाई अगर ढाबे वालों को दुकानदारों को नाम लिखने के लिए कहा गया है और यह लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेटरी है तो पीड़ित पक्ष तो वो दुकानदार है जी, जी. और खास करके अगर इस केस को अगर देखें तो मुस्लिम दुकानदार तो मुस्लिम दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए यह महुआ मोहित्रा क्या कर रही है महुआ मोहित्रा का ढाबा चलाती है महुआ मोहित्रा कावर का यात्रा में जाती है हाउस कंसर्न वो कोई पीड़ित पक्ष नहीं है लेकिन फिर भी उसको जो है वो कोर्ट में जा, ये इंटरनेशनल वाला वो वो फ्रॉड आकार पटेल वो वो उसको क्या लेना तो जीवन में कभी जानता भी नहीं वो कांवर यात्रा करते कैसे हैं लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है तो ये मुझे लग रहा है कि ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो गया और शायद सुप्रीम कोर्ट इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशन को नहीं उसको लेकिन आज योगी सरकार ने कुछ सबूत भी आज सुप्रीम पंडित जी का ढाबा गंगा ढाबा गया तो मुसलमान है इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहा है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का अलग दुनिया में है ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेज अलग दुनिया में है उनको सबूत दे दो कुछ दे दो ये दो टेक्निकल ग्राउंड बढ़ा दिया इसमें पूछा जाना चाहिए प्रदेश की सरकार की तरफ से क्यों नहीं एफिडेविट दिया गया और ये बस टाइम बस कल साढ़े दस बजे आपने दिया हम पढ़ नहीं पाए और इसलिए जो है ये इंट्री आदेश चलता रहेगा और कावर यात्रा के बाद जो है तो आप देखिए कांवर यात्रा के बाद क्या फैसला आता है और फिर अगर फैसला ये आए कि भाई कानून मत मानो नाम मत लगाओ जी, जी. कानून को उठा के फेंक दो या फिर देश भर में ये लागू होगा तो आपको इंतजार करना चाहिए लेकिन जो कुछ भी है यह साफ साफ बता रहा है कि इस देश के अंदर में हिंदू धार्मिक भावनाओं को जो है बिल्कुल इन लोगों ने एक ऐसी चीज इस तरह से ये ट्रीट करते हैं कि जैसे ये कोई गंदे नाली में पड़ा हुआ कोई सामान हो कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसका कोई भी वैल्यू नहीं है आप ये समझिए इन लोगों को क्या कहें यूपी सरकार ने ये भी कहा कि देखिए जब ताजिया निकलता है या कोई हज यात्री का कोई प्रोसेसन निकलता है या ईद बकरी मस्जिद जाने का जो रास्ता होता है वी ऑल्सो इंश्योर कि रास्ते में कि जो शूअर का जो मूवमेंट है कि जो लोग पालते हैं जो सड़कों पर नजर आता है वो उस रास्ते नजर ना आए म्यूनसिपल कॉरपोरेसन इस बात की भी ध्यान रखता है ताजिए के दौरान और सारी चीज़ों में बाकायदा वो ऑर्डर दिखा करके बकायदा पेश किया गया तब तो आप इसके ऊपर कुछ नहीं बोलते तब तो आप इसके ऊपर कुछ नहीं बोलते दो सप्ताह का मसला था लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो न्याय के मूर्ति की तरह जो है आंखों पे पट्टी है ये लोग इस देश को एक ऐसे कॉर्नर की ओर लेकर के ले जा रहे हैं जहां स्थिति बेहतर तो दिख नहीं रही है धन्यवाद सर जानकारी के लिए तो आज सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की तरफ से अपने इस आदेश का जमकर बचाव किया गया तमाम दलीलें दी गई योगी सरकार ने कहा कि यह आदेश किसी जाति धर्म को लेकर नहीं दिया गया है यह आदेश सभी के लिए था और इस आदेश में कावड़ियों की ही तरफ से कुछ ऐसी शिकायत आई थी उनकी शिकायत मिलने के बाद ही यह आदेश को जारी किया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई तो की लेकिन उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकार को दो हफ्ते का वक्त दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर रोक को तो बरकरार रख दिया है इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई पांच अगस्त यानी कि सोमवार को होगी इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही कैमरा रवि के साथ मैं पूछा कैपिटल टीवी